नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 की बचत करता है, वह अपने खाने पर कितना खर्च करता है? ठीक है, उसने कहा कि कोई व्यक्ति है, उसको कुछ वेतन मिलता है, ठीक है। उस वेतन का 2/5 जो भाग है वह मकान किराए में जाता है, फिर उसके पास जो बचता है उसका 3/10 भाग खाने पर जाता है, और फिर जो उसके पास शेष बचता है उसका 1/8 भाग यात्रा पर वह खर्च करता है। इसके बाद महीने के अंत में उसके पास 1470 रुपए बचते हैं। तो उसने हमसे पूछा है कि खाने पर कितना खर्च करता है, यह हमें उसको बताना है। चलिए हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी जो वेतन है वह कितनी है, वेतन बराबर x रुपए, ठीक है। हमने माना कोई व्यक्ति है जो कि x रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो महीने का x रुपए कमा रहा है। अब उसका 2/5 भाग क्या भी कर रहा, मकान किराए पे, मकान किराया, ठीक है। तो वेतन का 2/5 भाग यानी कितना, 2x/5, ठीक है, यह मकान किराए पर खर्च कर रहा है। इसके बाद क्या होता है, उसने कहा जो शेष बचा है, तो पहले तो हम शेष निकालेंगे। शेष कैसे निकलेगा, वेतन में से मकान किराए का खर्च माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ बल लगाएंगे, 5 × 5, 5x में से 2x जाएगा, तो 3x/5 अब उसके पास शेष बचा। अब शेष के बाद क्या करता है, शेष का 3/10 भाग खाने पर, अब हम निकाल दें इसका खाना, ठीक है। तो खाने पर कितना व्यय करता है, शेष राशि का, शेष राशि कितनी है, 3x/5 गुणा इसका 3/10, 3 × 9x और 5 × 10 में होगा तो 50, ठीक है, यानी 9x/50 वह खाने पर व्यय कर रहा है। अब इसके बाद शेष कितना बच रहा है, तो कितना था पहले, 3x/5 माइनस खाने पर वह हो गया 9x/50, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, 5 × 5 = 10, 30 में से 9 जाएगा 21x/50। अब उसके पास शेष इतना बचा है खाने पर वह होने के बाद। अब उसने कहा जो शेष है, शेष का 1/8 यात्रा पर खर्च करता है, ठीक है, तो हम यहां निकालेंगे यात्रा पर वह, कितना शेष बचा, 21x/50, इसका 1/8 कितना होगा, ऊपर तो 21 ही रहेगा और नीचे 8 × 5 = 40, ठीक है। तो यात्रा पर व्यय होता है उसका 21x/400। अब शेष कितना बच रहा है, पहले कितना था, 21x/50 माइनस यहाँ 21x/400, एलसीएम लेंगे ये आएगा 400, यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, 8 का गुणा करेंगे, 8 × 8, 8 × 2 = 16 माइनस 21x, ठीक है। अब प्रश्न ने कहा था कि एक शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 की बचत करता है, यानी बचत कितनी हुई, 1470 की, ठीक है। तो अब 1470 को हमने बराबर कर दिया, यहाँ माइनस करेंगे 7 × 8 = 1, 7 × 6 = 2 = 4, 147x/400, तो x बराबर निकालेंगे तो 1470 × 400/147 काट देंगे, 10 बार जाएगा
यानी उसकी कुल वेतन कितनी थी, उसकी कुल वेतन है 4000 रुपए। ठीक है, अब प्रश्न ने हमसे कुल वेतन नहीं पूछी है, प्रश्न ने हमसे पूछा है वह अपने खाने पर कितना खर्च करता है। ठीक है, खाना खाने पर कितना व्यय कर रहा था, 9x/50। एक्स की वैल्यू तो आ गई है 4000/50, जीरो से जीरो काट देंगे, 5, 8, 40, 80, 9, 8, 72, यानी 720 रुपए वह अपने खाने पर व्यय कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको लगाना है, हमने एक्स मान के लगाया, आप कोई वैल्यू भी मान सकते हैं, एक्स बराबर 1000 या एक्स बराबर 100 मान के भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लगाया, बड़े ही सिंपल तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको लगाते जाना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले x मानी थी उसकी वेतन, मकान किराया निकाला क्योंकि 2/5 कर रहा था, फिर उसके बाद उसका शेष निकाला, शेष का उसने खाने पर व्यय निकाला, फिर उसका शेष निकाला यात्रा पर व्यय निकाला, उसके बाद जो शेष बचा उसने ही कहा था कि यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 की बचत करता है, तो उसको हमने 1470 के बराबर कर दिया, तो हमारी यहाँ x की वैल्यू निकल के आ गई 4000। लेकिन उसने हमसे वेतन ना पूछ के उसने हमसे पूछा था कि अपने खाने पर कितना व्यय करता है, तो हमने खाने पर व्यय का यहाँ पर जो व्यय कर रहा था उसको निकाल दिया और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।